नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके SSC CHSL के एग्जाम सिटी इंटीमेशन के बारे में, जिसमें कि आपको एग्जाम की डेट और सिटी पता चल जाएगी कि आपका एग्जाम की डेट कहाँ किस डेट को है और एग्जाम आपका किस सिटी में, आपको ये पता चल जाएगा, जिसको हम एडमिट कार्ड स्टेटस भी बोल सकते हैं। दोस्तों बात करने वाला हूँ कि आपको अपना वो चीज़ें कैसे चेकअप कर पाएंगे, साथ ही मैं बात करने वाला हूँ केवल आपका CR रीजन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करूँगा CR रीजन की। अगर आप अदर रीजन से आते हैं तो देखिए प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप किसी भी रीजन से आते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, जिस भी रीजन से आप आते हैं, जहां भी आपने अपना एग्जाम सेंटर फिलअप किया हो उसी रीजन में जाके आप लोग अपना चेक करिएगा, ठीक है। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे बता रखा है कि आपने अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने क्या एग्जाम सेंटर डाला था, जिस सेंटर डाला था उसी रीजन में जाके आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, अदर किसी रीजन वाले प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। मैं बताने वाला हूं CR रीजन के बारे में, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य आते हैं। तो चलिए बेटे को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आने के लिए आपको करना कुछ नहीं, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा डायरेक्ट एडमिट कार्ड या एग्जाम सिटी इंटीमेशन के नाम से, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड देखिए तीन टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने कि आप लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है आप अपना रोल नंबर के थ्रू करना चाहें रोल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपके पास कुछ भी नहीं है तो देखिए पहले वाले कॉलम में आप अपना नाम डालेंगे, सेकेंड कॉलम में आपको अपना फादर्स नेम डालना होगा, और थर्ड कॉलम में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। डेट, मंथ, ईयर, तीनों चीज़ें आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको फर्स्ट एग्जाम सेंटर डालना है, जहां भी आपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर डाला हो। एग्जाम्पल के लिए आगरा डाला है तो आगरा सेलेक्ट करिएगा, आपने कहीं अदर डाला है तो अदर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको 6+8 यानी कि कितना हो गया 14 आप जब टाइप करोगे तो देखिए आपका नंबर करेक्ट बता देगा, ह्यूमन वेरीफाई के लिए मांगता है, तो आपको उसके बाद आपको सर्च बटन पर करना होगा क्लिक। तो एक कैंडिडेट के मैं डिटेल्स को फिलअप कर लेता हूँ, देन आप सभी के सामने आता हूँ, ठीक है। हालांकि दोस्तों मैंने वो डिटेल्स को ब्लर कर दिया प्राइवेसी रीजन की वजह से, तो आपको देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने डिटेल्स को अच्छी तरह से फिलअप कर लिया, ऐसे भी आपको भी फिलअप करना है। उसके बाद करना होगा आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक। चलिए हम सर्च वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए थोड़ी सी देर सर्चिंग लेगा और आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने होगा, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इनका देखिए आपका कहाँ पर एग्जाम सेंटर है, सब कुछ यहाँ पर आपका बता रखा है, देख सकते हैं आप लोग। बात करते हैं पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे एक एग्जाम की डेट बारे में बात करें तो एग्जाम की डेट यहाँ पे आपकी दे रखी है पहले कॉलम में, यहाँ पे 6/6/2022 यानी कि 6 जून 2022 को इनका एग्जाम है। बात करते हैं शिफ्ट के बारे में तो इवनिंग शिफ्ट रहने वाली है। बात करें आपके एग्जाम के टाइमिंग के बारे में तो एग्जाम इनका होने वाला है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम के होने वाला है, 4 से 5, ठीक है। बात करते हैं आपकी देखिएगा सेंटर कहाँ पर पड़ा है, इनका सेंटर पड़ा है यानी कि अलीगढ़ में, कहाँ पर अलीगढ़ में, और फॉर्म स्टेटस क्या दिखा रहा है एक्सेप्टेड। अगर आपका किसी रीजन से रिजेक्ट हुआ होगा तो वो आपका रिजेक्ट बताएगा, ठीक है ना, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आप, ये केवल आपका क्या है एग्जाम का सिटी इंटीमेशन है, क्या है एग्जाम का सिटी इंटीमेशन, जिसमें आपके एग्जाम की सिटी और डेट पता चल चुकी है, आपका डेट कहां पर है और किस सिटी में है आपको ये पता चल चुकी है, ठीक है। लेकिन आपका ये कंप्लीट एडमिट कार्ड नहीं है। अगर आपके कंप्लीट एडमिट कार्ड की बात करूं तो देखिए एग्जाम डेट से कितने दिन पहले आता है, 4 डेज पहले, 4 दिन पहले आता है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है भाई। तो आप लोग अपना कंप्लीट एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 4 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाओगे। मान लो एग्जाम्पल के लिए इनके एग्जाम की डेट कितनी है 6 जून, ठीक है, तो ये कब कर पाएंगे 2 तारीख को, यानी कि 4 दिन पहले, यानी कि 2 जून को अपना ये एडमिट कार्ड फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर की फुल डिटेल दे रखी होती है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया, अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने में तो आपसे मैं कहना चाहूंगा आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिएगा, वहां पर मैं आपको यानी कि रिप्लाई देता रहूंगा। लेकिन आप खुद से प्रयास करें, पहले अगर आप पे नहीं होता है तब आप लोग मेरे पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी Prince Gautam 347 वहां पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, या फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फोटो लेके सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका एडमिट कार्ड स्टेटस चेक करके दिखा दूंगा कहां पे आपका एग्जाम पड़ा है, ठीक है भाई। और अगर कोई अदर रीजन से आता है तो देखिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके अदर रीजन वाले कैंडिडेट देख सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे बताया कि वहां पे अदर रीजन वाले और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट वहां पे कैसे देख सकते हैं, ये केवल यूपी और बिहार राज्य के लिए था जिसमें आपका सेंट्रल रीजन में आता है। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में बता दिया है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं आपको तुरंत अपडेट मिले। तो चलिए दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप सभी के लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।